वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम आर पी व्लॉग्स। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं छतरपुर मंदिर दिल्ली में, मेहरौली के पास में पड़ता है। तो दोस्तों अंदर चलते हैं, पूरा आपको मंदिर दिखाते हैं। माँ कात्यायनी का ये मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। लोग दूर दूर से आते हैं, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है वहाँ पे, देख सकते हैं 24 घंटे सुबह से शाम तक यहाँ पे भीड़ ही भीड़ रहती है, क्योंकि इतनी मान्यता है यहाँ की। और कहा जाता है कि अगर यहाँ पे जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, अगर शुक्रवार को यहाँ पे दर्शन किए जाएँ तो पैसे से रिलेटेड हर मुसीबत दूर हो जाती है, धनवान हो जाता है इंसान। तो दोस्तों पूरा मंदिर देखिए, पूरा आपको दिखाता हूँ कैसे आना है कैसे नहीं आना। अगर आप छतरपुर आना चाहते हैं तो आप छतरपुर मेट्रो स्टेशन है, आप छतरपुर मेट्रो पे उतर के आ सकते हैं। कुतुब मीनार से आती हैं बसें, तो बस मेट्रो और ऑटो किसी से भी आ सकते हैं आप। तो आइए चलते हैं, आपको पूरा दिखाता हूँ छतरपुर हनुमान मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और माँ कात्यायनी मंदिर। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जूते स्टैंड पे उतारते हैं, चल के जूते उतारते हैं, आइए। दोस्तों हम मंदिर में आ चुके हैं और आप जैसे ये देख रहे हैं, ये पेड़ है, यहाँ पे मान्यता है कि जो जो भक्त अपनी मान्यता मांग के यहाँ पे चुन्नी बांधते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। स्टार्टिंग में जैसे माँ कात्यायनी के मंदिर में घुसेंगे हम, स्टार्टिंग में ये पेड़ है। चलिए आगे चलते हैं, दर्शन कराते हैं पूरे मंदिर के। दोस्तों बने रहिए पूरे वीडियो पर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर है माँ कात्यायनी का। तो दोस्तों माँ कात्यायनी की कहानी है जो वो मैं बताता हूँ। एक बहुत ऋषि मुनि हुआ करते थे जो उन जिनका नाम था ऋषि महर्षि कात्यायन। तो उन्होंने माता रानी की बहुत वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। तो माता रानी ने उन्हें प्रसन्न होकर अपने दर्शन दिए और माता रानी ने उन्हें बोला कि मांगिए, आपको क्या मांगना है वरदान में। तो कात्यायन जी जो थे, महर्षि कात्यायन जी ने कहा कि आप मेरी बेटी बनके मेरे घर में पैदा, मतलब बेटी बनके मेरे घर में आइए। तो माता रानी बहुत खुश हुई, एक तो उनकी तपस्या से, दूसरी उनकी इच्छा से कि मेरी उनकी बेटी बनके उनके घर में पैदा होना। तो दोस्तों जब से ही उनकी महर्षि कात्यायन की पुत्री को ही कात्यायनी देवी कहा जाता है, माँ कात्यायनी। तो ये छोटी सी जो मेरे को पता थी कहानी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो चलिए अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छी भव्य मंदिर है माता रानी का। ये महादेव भोलेनाथ जी हैं, गौरी शंकर भगवान, जय हो महादेव, हर हर महादेव। जय नंदी भगवान की जय। तो दोस्तों जो मंदिर है ये यहाँ का, मंदिर का निर्माण श्री संत नागपाल जी ने 1974 में कराया था। तो उनकी प्रतिमा सामने है, तो बहुत ही अच्छा मंदिर है जो बनाया गया है संत नागपाल जी द्वारा 1974 में। आइए और दिखाता हूँ मैं आपको, यू आ जाओ। नागपाल जी ने, श्री संत नागपाल जी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि है आपका यहाँ पे पड़ता है छतरपुर में। बहुत ही अच्छा मंदिर है, विशाल मंदिर है। तो चलिए आगे बढ़ के मैं और आगे आपको दिखाता हूँ श्री कृष्ण, श्री हनुमान जी और श्री राधा कृष्ण भगवान, जय श्री राम। देखिए लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रतिमा। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा मंदिर है ये, अभी और भी रह गया है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, शेर के साथ फ़ोटो खींच लेते हैं थोड़ी सी, मंदिर के साथ साथ फ़ोटो सेशन भी हो जाए थोड़ा सा। कई जगह दोस्तों कैमरे अलाउ नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे आए तो उनका नियमों का पालन करें, उल्लंघन ना करें। चलिए आगे चलते हैं।
तो दोस्तों माँ कात्यायनी मंदिर देखने के बाद अब हम आगे चलते हैं, एक और मंदिर पड़ता है उसके ठीक सामने, और उसके बाद चलेंगे श्री बजरंगबली जी के मंदिर जो सामने आप देख सकते हैं। लेकर होगी क्या पड़ेगा तो दोस्तों हम जैसा कि छतरपुर में ही हैं, अभी हमने संत नागपाल जी की जो समाधि थी उसके दर्शन किया, और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं बहुत ही जो भव्य मंदिर है उसमें बहुत बड़ा दरवाज़ा है और उसमें बहुत बड़ा ताला लगा है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ और फिर बताऊँगा। इसमें एक्चुअली ताला इसलिए लगा रहता है दोस्तों, साल में बस एक ही बार इस ताले को कहा जाता है, खोला जाता है, वो भी जब जब एक विशेष पर्व या फिर विशेष अवसर पर जब पूजा की जाती है या कोई स्पेशल कार्यक्रम किया जाता है इस यहाँ पे मंदिर में, तो वो दरवाज़ा एक या दो बार ही खोला जाता है साल में, जब विशेष अवसर पर या विशेष पूजा की जाती है तभी उस मंदिर का भव्य मंदिर का दरवाजे का ताला खोला जाता है, नहीं तो उसके अलावा वो बंद रहता है। तो ऐसी मान्यता है यहाँ की। तो आप देख सकते हैं कितना विशाल ताला है, बहुत अच्छा मंदिर है। तो और आगे दिखाते हैं, अब चलते हैं बजरंगबली की आपको दर्शन कराते हैं जो बहुत बड़े बजरंगबली जी हैं। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही बड़ा मंदिर है। तो दोस्तों कभी भी फैमिली के साथ आ सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों छतरपुर में जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे बजरंगबली के मंदिर में आए हैं। यहाँ पे बजरंगबली जी की विशाल मूर्ति है, देख सकते हैं आप कितनी विशाल मूर्ति है बजरंगबली की। तो यहाँ पे जैसे भी जो भी आप छतरपुर मंदिर घूमने आता है तो यहाँ के दर्शन ज़रूर किए जाते हैं। सामने आप देख रहे हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जैसा कि मैंने बताया था फ्राइडे को आते हैं तो हर मनोकामना पूर्ण होती है, पैसों से रिलेटेड कोई कमी नहीं रहती। और यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री हनुमान जी, कितनी भव्य प्रतिमा है बड़ी सी। चलिए इसको और आगे से दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों जो छतरपुर मंदिर की मान्यता है, ये श्री संत नागपाल जी ने बनवाया था, बहुत बड़ा है। तो यहाँ से पूरे भारतवर्ष से ही नहीं, देश विदेश से भी लोग आते हैं इस मंदिर के दर्शन करने। तो यहाँ घूमने के लिए फैमिली के साथ बहुत ही अच्छी जगह है भगवान के दर्शन करने के लिए। देखिए जय श्री राम, आसपास का नज़ारा भी कितना अच्छा है। तो दोस्तों आप ये जो सामने देख रहे हैं ये कुटीर है, जैसे पीछे पिछले टाइम में इस तरह की कुटीर हुआ करती थी, हवन हुआ करते थे थोड़ा गांव का। तो आप देख सकते हैं ये है राम कुटीर, ये देखिए जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बहुत ही अच्छा आश्रम है यहाँ पे घूमने की अच्छी। तो दोस्तों यहाँ पे हर वक्त भंडारा होता रहता है माता रानी की कृपा से। तो देख सकते कितनी भीड़ है यहाँ पे, आप लोग जब भी आए प्रसाद जरूर ग्रहण करें। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मेरी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों देखने के लिए, और जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। थैंक यू दोस्तों।